हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम और मुसाइब। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर साहबी है जो मस्जिद नबवी के हमेशा मुअज़्ज़िन रहे। शुरू में एक काफिर का ग़ुलाम थे, इस्लाम ले आए, जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। उमैया बिन खल्फ़ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर उनके सीना पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताकि वह हरकत ना कर सके, और कहता था कि या उस हाल में मर जाए और ज़िंदगी चाहे तो इस्लाम से फैल जाए, इस्लाम से हट जाए। मगर वह उस हालत में अहद अहद कहते थे, यानि माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांध कर कूड़े लगाए जाते और अगले दिन उन जख्मों को गर्म ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा ज़ख्मी किया जाता था ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जावे या तड़प तड़प कर मर जाए। अजाब देने वाले उठता जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन खल्फ का नंबर आता, कभी औरों का, और हर शख्स उसकी कोशिश करता ताकि तकलीफ़ देने में ज़ोर ख़त्म कर दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस हालत में देखा तो उनको ख़रीद कर आज़ाद फरमाया। फ़ायदा, चूँकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, उसने उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान पर एक ही एक और विर्द था। ये ताल्लुक़ और इश्क की बात है। हम झूठे मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका नाम लेने में लुत्फ आता है, बेफ़ायदा उसको रटा जाता है, तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना जो दीन और दुनिया में दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुँचाई जाती थी। मक्का के लड़कों के हवाला कर दिया जाता था, वो उनको गली कूचों में चक्कर देते फेरे और ये थे कि एक ही एक है, फिर का रट लगाते थे। उसी का यह सलाह मिला कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज्जिन बने और सफर हजर में हमेशा आज़ान की खदमत उनके सुपुर्द हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया, इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के बेदीन ही जिहाद में गुजार दूँ। उसने जिहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसा तक मदीना मनवरा लौट कर नहीं आए। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आँख खुलने पर मदीना तैयबा हाजिर हुए। हजरत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने अजान की फरमाइश की। लाडलों की दरख्वास्त ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। अजान कहना शुरू की और मदीना में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की अजान खानों में पढ़कर गहरम मच गया। औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़ी। चंद रोज़ क़याम के बाद वापस हुए और 20 हिजरी के करीब दमिश्क में वसाल हुआ। ये है मुख्तसर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किस्सा। हम उन किस्सा को पढ़े, याद करें और उनसे इबरत ले और सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैरवी करें। अल्लाह ताला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।